हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको हिस्ट्री चैप्टर 1 क्लास 7 की एनसीईआरटी का टॉपिक रीजन एंड एम्पायर पढ़ाऊंगी। आधा चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, आधा मैं आपको आज कंप्लीट कराऊंगी। मैं आपको यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो होता है उसके प्रोसेस के थ्रू मैं ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगी। उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये एक्चुअली बेसिकली चैप्टर मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपकी यूजीसी नेट में जो हिस्ट्री सब्जेक्ट होता है उसमें आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। आज तो मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके रिगार्डिंग MCQs कराऊंगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहला है, लार्ज स्टेट्स लाइक दोस ऑफ द चोलास और मुगल एनकम्पास्ड मैनी रीजन्स। इसका मतलब क्या है कि जो बड़े बड़े स्टेट्स थे जैसे कि चोला, तुकलक और मुगल, उन बड़े बड़े राज्यों में कई क्षेत्र भी शामिल थे। रीजन्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षेत्र। नेक्स्ट इज संस्कृत प्रशस्ति प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान गियाजुद्दीन बलबन हु रूल्ड फ्रॉम 1266 टू 1287 एक्सप्लेन दैट ही वॉज द रूलर ऑफ अ वास्ट एम्पायर दैट स्ट्रेच फ्रॉम बंगाल इन द ईस्ट टू गजनी इन अफगानिस्तान इन द वेस्ट एंड इंक्लूडेड ऑल ऑफ साउथ इंडिया। एक प्रसिद्ध संस्कृत प्रशस्ति है जिसने दिल्ली के सुल्तान गियाजुद्दीन बलबन को प्रेस किया है, उनकी तारीफ़ की है। क्यों तारीफ़ की है? उससे पहले गियाजुद्दीन बलबन ने कब से कब तक रूल किया, 1266 से 1287 तक, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही बड़ा वास्ट एम्पायर खड़ा किया था जो कि बंगाल जो कि ईस्ट में है वहाँ से लेकर गजनी जो कि अफगानिस्तान इन द वेस्ट है वहाँ तक उनका एम्पायर बड़ा हुआ था, समाया हुआ था और उस और साथ ही साथ साउथ इंडिया भी इंक्लूडेड था उनके एम्पायर के रीजन्स में। ओके, बट हिस्टोरियंस रिकॉर्डेड दीज एज एग्जैगरेटेड क्लेम्स ऑफ कॉन्क्यूस्ट। लेकिन एक्चुअली हिस्टोरियंस को इन क्लेम्स पे ना विश्वास नहीं है, वो सोचते हैं कि इतना बड़ा एम्पायर नहीं खड़ा कर सकता वो, दैट इज़ वाई दे एग्जैगरेटेड सच क्लेम्स ऑफ कॉन्क्यूस्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज मैनी रीजन्स बाई 700 पजेस्ड डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल डायमेंशन एंड देयर ओन लैंग्वेज एंड कल्चरल करेक्टरिस्टिक। 700 AD से पहले कई रीजन्स ने अपने ज्योग्राफिकल डायमेंशन पजस कर लिए थे, साथ ही साथ उनकी अपनी एक लैंग्वेज भी हो गई थी और उनके अपने कल्चरल करेक्टरिस्टिक्स भी होते थे, हो चुके थे। नेक्स्ट इज ओकेजनली डायनेस्टीज लाइक द चोलास खलजी तुकलक्स एंड मुगल्स वर एबल टू बिल्ड एन एम्पायर दैट वॉज पैन रीजनल स्पैनिंग डाइवर्स रीजन बट नॉट ऑल दीज एम्पायर्स वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल। कभी कभी क्या होता था कि चोलास खलजी तुकलक और मुगल एक ऐसा साम्राज्य का निर्माण करने में सक्षम थे जो विविध क्षेत्रों में फैले हुए थे। मतलब वो एक ऐसे साम्राज्य को उन्होंने स्थापित किया था जो कि विविध क्षेत्रों में फैला हुआ था, डिफरेंट रीजन्स में वो स्प्रेड हुआ था। लेकिन ये सभी साम्राज्य सघन रूप से स्थिर या सफल नहीं थे, पर ये सारे एम्पायर्स जो थे सक्सेसफुल या स्टेबल नहीं थे। ओके, व्हेन द मुगल एम्पायर डिक्लाइन इन द 18th सेंचुरी इट लेड टू द री इमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट। जब 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का पतन हुआ तो इससे
क्षेत्रीय राज्यों का पुनः उदय हुआ। काफी सारे रीजनल स्टेट्स इससे कारण इमर्ज हुए। बट ईयर्स ऑफ इंपीरियल पैन रीजनल रूल हैज altered द करेक्टर ऑफ द regions, एज regions were लेफ्ट विद legacies ऑफ द बिग एंड स्मॉल स्टेट्स दैट हैड रूल ओवर them. लेकिन शाही अखिल क्षेत्रीय शासन के वर्षों ने क्षेत्रों के चरित्र को बदल दिया था। कैसे बदल दिया था? क्योंकि क्षेत्रों को बड़े और छोटे राज्यों की विरासतों के स्थान के साथ छोड़ दिया गया था जिन्होंने उन पर शासन किया था। इसका मतलब क्या है कि शाही अखिल क्षेत्रीय शासन के वर्षों ने क्षेत्रों के चरित्र को बदल दिया था। पैन रीजनल रूल ने जो है रीजन्स के करेक्टर्स को चेंज कर दिया था। क्यों चेंज कर दिया था? क्योंकि क्षेत्रों को बड़े और छोटे राज्यों की विरासतों के साथ छोड़ दिया गया था, क्योंकि उनको जो भी छोटे और बड़े स्टेट्स पे रूल करते थे, जो भी एम्परर या रूलर रूल करते थे, तो उनको उन्हीं की विरासतों के साथ, उन्हीं की जनरेशंस के साथ छोड़ दिया गया था। थ्रू द 1000 ईयर्स बिटवीन 700 एंड 1715 दीज रीजन्स फेल्ट द इम्पैक्ट ऑफ लार्जर पैन रीजनल फोर्सेस ऑफ इंटीग्रेशन विदाउट एवर क्वाइट लूजिंग देयर डिस्टिंक्टिवनेस। 700 और 1750 के बीच के हजार वर्षों के दौरान इन क्षेत्रों ने अपनी विशिष्टता को खोए बिना एकीकरण को व्यापक अखिल क्षेत्रीय ताकतों के प्रभाव को महसूस किया। भले ही इन क्षेत्रों को छोटे छोटे एम्पायर्स ने, छोटे छोटे रूलर्स ने रूल किया, लेकिन कभी भी इन रीजन्स ने अपना जो है रुतबा नहीं खोया। दे नेवर लूज देयर डिस्टिंक्टिवनेस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। मेजर डेवलपमेंट इन रिलीजियस ट्रेडिशन टुक प्लेस। धार्मिक परंपराओं में मतलब काफी विकास हुआ। पीपल बिलीव इन द डिवाइन वाज समटाइम्स डीपली पर्सनल बट मोर यूजुअली इट वाज कलेक्टिव। जो पीपल की मतलब जो पीपल परमात्मा में जो विश्वास होता था लोगों का, वो कभी कभी व्यक्तिगत होता था, पर्सनल होता था, लेकिन आम तौर पर ये सामूहिक भी होता था। कलेक्टिव बिलीफ वॉज ऑफन क्लोजली कनेक्टेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज। ये जो सामूहिक विश्वास होता था, ये अक्सर स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन के साथ निकटता से जुड़ा होता था। ये जो हमारा जो पीपल का सामूहिक बिलीफ होता था गॉड में, कलेक्टिव बिलीव होता था, ये जो है सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस जो होती थी लोकल कम्युनिटीज की, उसके साथ जुड़ा होता था। ड्यूरिंग दिस पीरियड इम्पॉर्टेंट चेंजेस अकर्ड इन हिंदुइज्म विच इंक्लूडेड द वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज, द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयल्टी एंड द ग्रोइंग इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण द प्रीस्ट एज डोमिनेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी। इस अवधि में क्या था, थोड़े से मतलब इस अवधि में थोड़े बहुत चेंजेस हुए थे हिंदुइज्म में, जैसे कि नए देवताओं की पूजा होती थी, रॉयल्टी द्वारा मतलब जो हमारे बड़े बड़े राजा महाराजा हैं उनके द्वारा टेम्पल्स बनवाए जाते थे, ब्राह्मणों को इम्पोर्टेंस दी जाती थी, उन्हें एक डोमिनेंट ग्रुप, मतलब आपको तो जैसे पता ही कि हमेशा से हमारे यहाँ जो है भारत में ब्राह्मण्स को ही सबसे फर्स्ट पोजीशन दी जाती है, सबसे पहले ब्राह्मण फिर क्षत्रिय
फिर आपका वैश्य, फिर शूद्र आता, तो उनको एक डोमिनेंट पोजीशन दी गई थी सोसाइटी में। ब्राह्मण अर्न अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी ड्यू टू देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट, और उन्हें इतनी मतलब डोमिनेंट पोजीशन इसलिए दी जाती थी क्योंकि उनको संस्कृत टेक्स्ट की नॉलेज होती थी। देयर डोमिनेंट पोजीशन वॉज कंसोलिडेटेड बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पैट्रन, और उन्हें सपोर्ट कौन देता था उनकी डोमिनेंट पोजीशन को बनाने के लिए? उनको सपोर्ट देते थे पैट्रन्स। अब पैट्रन्स कौन होते हैं? पैट्रन्स मीन्स एन इन्फ्लुएंशियल वेल्दी इंडिविजुअल हु सपोर्ट्स अनदर पर्सन, एंड दैट इज एन आर्टिस्ट, अ क्राफ्ट पर्सन, अ लर्न मैन और अ नोबल। पैट्रन वो होता है, एक वेल्दी पर्सन होता है, मतलब कि वेल सेटल आदमी होता है जो कि दूसरे आदमी को सपोर्ट करता है। तो उसमें ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण को ही वो सपोर्ट करे, वो एक आर्टिस्ट को भी सपोर्ट कर सकता है, क्राफ्ट पर्सन को भी सपोर्ट कर सकता है, और एक लर्न मैन या नोबल को भी सपोर्ट कर सकता है। नेक्स्ट इज द एमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति वॉज वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड, दैट इज द डिवोटीज कुड रीच अ लविंग पर्सनल डाइटी विदाउट द एड ऑफ प्रीस्ट और इलेबरेट रिचुअल। इस टाइम पे जो है भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, और भक्ति का मतलब ये नहीं कि मतलब भक्ति एक मेजर डेवलपमेंट हुआ था इस पीरियड के दौरान। और भक्ति का मतलब क्या है कि डिवोटी, डिवोटी अपने जो भी डिवोटी जिस भी किसी देवता या भगवान को मानते हैं उसकी पूजा कर सकते हैं, और उसके लिए उसकी पूजा अर्चना के लिए उन्हें किसी भी ब्राह्मण या प्रीस्ट या पंडित की ज़रूरत नहीं है, और ना ही किसी रीति रिवाज की ज़रूरत है उसके लिए। वो अपने भाव से किसी भी भगवान की पूजा अर्चना कर सकता है। ओके, नेक्स्ट इज ड्यूरिंग दिस पीरियड न्यू रिलीजन ऑल्सो अपियर्ड, द टीचिंग्स ऑफ द होली कुरान वॉज फर्स्ट ब्रॉड बाय द मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स टू इंडिया इन द 7th सेंचुरी। बिसाइड हिंदुइज्म और भी रिलीजन्स इस टाइम पे इमर्ज हुए थे, जैसे कि हम कह सकते हैं मुस्लिम का जो कुरान है वो इस टाइम पे इमर्ज हुआ था, उसकी स्थापना हुई थी इस टाइम पे। मुस्लिम्स रिगार्ड द कुरान एज द होली बुक एंड एक्सेप्ट द सॉवरेनिटी ऑफ द वन गॉड अल्लाह, हुज लव, मर्सी एंड बाउंटी एम्ब्रेस ऑल दोज हु बिलीव इन हिम विदाउट रिगार्ड टू सोशल बैकग्राउंड। इसका मतलब ये है कि जो कुरान जो है होली बुक है मुस्लिम्स की, और वो एक ही भगवान को मानती हैं, जैसे कि हम हमारे में तो कई सारे देवी देवता होते हैं, हिंदुइज्म में कई सारे देवी देवता भगवान होते हैं, पर मुस्लिम्स जो है एक ही को मानते हैं और उसे अल्लाह कहते हैं वो। और अल्लाह अपनी रहमत सभी पे बरसाता है, अपना प्यार, अपना मर्सी सभी पे बरसाता है। वो ये नहीं देखता कि कौन कौन से बैकग्राउंड को बिलोंग करता है, चाहे वो पुअर हो चाहे वो वेल्दी पर्सन हो, वो सभी को इक्वल प्यार करता है। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स द अल्लाह जो है सभी को अपने इक्वल ही प्यार बांटता है, मर्सी प्रदान करता है, बिना देखे कि कौन कौन से सोशल बैकग्राउंड को या बिलोंग करता है। नेक्स्ट इज इस्लाम लाइक हिंदुइज्म वॉज ऑल्सो इंटरप्रिटेटेड इन अ वराइटी ऑफ वेज बाय इट्स फॉलोवर। जैसे हिंदुइज्म को डिवाइड कर दिया है लोगों ने अपने अपने हिसाब से हिंदू धर्म को, उसी प्रकार इस्लाम को भी उनके फॉलोअर्स ने इस्लाम की भी व्याख्या करी हुई है। देवर द शिया मुस्लिम्स हु बिलीव दैट द प्रॉम्फ़ट मोहम्मद सन इन लॉ अली वॉज द लेक्टिमेट लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, एंड द सुन्नी मुस्लिम्स हु एक्सेप्टेड
द अथॉरिटी ऑफ द अर्ली लीडर्स दैट इज खलीफाज ऑफ द कम्युनिटी एंड द सक्सीडिंग खलीफा. तो उनके जो मुसलमानों ने भी जो है इस्लाम की व्याख्या की है वो भी दो दो उन्होंने भी उसको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है. पहले तो होते हैं शिया मुस्लिम, जो कि ये बिलीव है उनका कि प्रॉफेट मोहम्मद के जो सन इन लॉ थे अली, वो उनके लेक्टिमेट लीडर हैं, ठीक है. और दूसरे हैं सुन्नी मुस्लिम्स, जो कि है खलीफास की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं और खलीफास की ही जो सक्सीडिंग लीडर्स हैं उन्हीं को वो स्वीकार करते हैं, उन्हीं के अधिकारों को वो स्वीकार करते हैं. नेक्स्ट इज थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड. हिस्टोरियंस डू नॉट सी टाइम जस्ट एज अ पासिंग ऑफ आवर्स, डेज और ईयर्स, एज अ क्लॉक और अ कैलेंडर. जो हमारे इतिहासकार हैं वो समय को केवल घंटों दिनों या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते हैं. दे मेड द स्टडी ऑफ टाइम ईजियर बाई डिवाइडिंग द पास्ट इन टू लार्ज सेगमेंट्स दैट इज पीरियड्स दैट पजेस शेयर्ड करेक्टरिस्टिक. उन्होंने अतीत को बड़े खंडों में विभाजित करके समय के अध्ययन को आसान बना दिया. ऐसी अवधि जिसमें सांझा विशेषताएं होती हैं, मतलब कि है कि जो हमारे इतिहासकार हैं उसने जो हमारे जो पास्ट है उसको खंडों में डिवाइड किया, खंड मतलब पीरियड्स में डिवाइड किया, ताकि हम उसे इजीली समझ पाए कि इस पीरियड से लेके उस पीरियड तक हमारे हिस्ट्री में क्या क्या हो चुका है. और इसलिए हमें हर पीरियड में एक डिफरेंट करेक्टर दिखता है, एक डिफरेंट कल्चर दिखता है, एक डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड दिखता है, एक डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशन दिखाई देती है. इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्टोरियन डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंटू थ्री पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. 19th सेंचुरी के मध्यकालीन मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी में जो हमारे ब्रिटिश इतिहासकार थे उन्होंने हमारे इतिहास को, इंडिया के इतिहास को तीन खंडों में विभाजित किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश. दिस डिवीजन वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द रिलीजन ऑफ रूलर्स was the only important historical change and there was no other significant developments in the economy, society or culture. According to Britishers, उनको क्या लगता था कि जो हमारी जो division है, उन्होंने ये division क्यों किया? क्योंकि उन्हें लगता था कि हमारे लिए, हमारे rulers के लिए सिर्फ religion ही important है उनके rules में. वो अपने शासन में सिर्फ रिलीजन को ही, धर्म को ही इम्पोर्टेंस प्रदान करते हैं और उसी धर्म में ही सिर्फ हिस्टोरिकल चेंजेस हुए हैं और कोई भी किसी भी मतलब क्षेत्र में या किसी भी डिपार्टमेंट में, जैसे कि इकोनॉमी में, सोसाइटी या कल्चर में, किसी भी टाइप का कोई चेंज या कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है. द ब्रिटिशर्स ऑल्सो इग्नोर्ड द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. अंग्रेज़ों ने मतलब हमारे उपमहाद्वीप की समृद्ध विविधता को भी अनदेखा किया. हमारे कंट्री की जो रिच डाइवर्सिटी थी, जो हम जिसके लिए हम फेमस भी हैं, उसको भी उन्होंने अनदेखा कर दिया. द हिस्ट्रीज यू रीड लास्ट ईयर इंक्लूडेड अ वाइड रेंज of early societies, hunter gatherers, early farmers, people living in town and villages, and early empires and kingdom. जो आपने सिक्स क्लास में हिस्ट्री पढ़ी थी उसमें बेसिकली आपने अर्ली सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ा था, हंटर गैदरर्स के बारे में पढ़ा था, किसानों के बारे में पढ़ा था, लोग जो टाउन्स में रह रहे थे, विलेजेस में रह रहे थे उनके बारे में पढ़ा था,
और जो उस टाइम पे एम्पायर स्टैब्लिश हो रहे थे, किंगडम स्टैब्लिश हो रहे थे, उनके बारे में पढ़ा था। दिस ईयर हिस्ट्री इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज मेडिवल। हियर यू विल फाइंड मोर अबाउट द स्प्रेड ऑफ पेजेंट सोसाइटी, द राइज ऑफ रीजनल एंड इम्पीरियल स्टेट फॉर्मेशन, द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम एज मेजर रिलीजन एंड द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग सोसाइटी। इस बुक में जो बेसिकली हिस्ट्री पढ़ाई गई है वो मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाई गई है। तो इस बुक में हमें ज़्यादातर जो टॉपिक्स हमें मिलेंगे पढ़ने के लिए वो होंगे पेजेंट सोसाइटीज़ पे आधारित होंगे, वो आपके राइज ऑफ रीजनल एंड इम्पीरियल स्टेट फॉर्मेशन पे आधारित होंगे, प्रारंभिक साम्राज्य और राज्य, और उसके साथ साथ आप पढ़ेंगे हिंदुइज्म और इस्लामिक रिलीजन में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, और जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इंडिया में आई, कैसे आई, क्यों आई, क्या उनका मकसद था इंडिया में अपना ट्रेडिंग कंपनीज इस्टेब्लिश करने का, हम ये सब टॉपिक्स इस क्लास में या इस हिस्ट्री की बुक में पढ़ेंगे। दीज 1000 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री विटनेस्ड कंसिडरेबल चेंज। द 16th एंड 18th सेंचुरीज वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द 8th और 11th। तो इसमें जो हम हिस्ट्री पढ़ेंगे ये एक्चुअली बहुत ही डिफरेंट होगी जो आपने प्रीवियस ईयर में जो हिस्ट्री पढ़ी है, क्योंकि एक तो सेंचुरी भी डिफरेंट है, आपने उस पे पढ़ी थी 8th और 11th सेंचुरी, और इस हिस्ट्री बुक में हम पढ़ेंगे 16th टू 18th सेंचुरी के बीच में जो भी आपके सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। मोर ओवर द मेडिवल पीरियड इज ऑफन कॉन्ट्रास्टेड विद द मॉडर्न पीरियड। मेडिवल पीरियड को वैसे भी कई बार हम मॉडर्न पीरियड के साथ भी कंपेयर किया जाता है। मॉडर्निटी कैरीज विद इट अ सेंस ऑफ मटीरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट। तो जो मॉडर्निटी है, जो आधुनिकता है, वो अपने साथ बौद्धिक प्रगति और बौद्धिक उन्नति की भावना रखती है। ओके, ड्यूरिंग दिस 1000 ईयर्स द सोसाइटीज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वर ट्रांसफॉर्म्ड ऑफन एंड इकोनॉमीज इन सेवरल रीजन्स रीच अ लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी दैट अट्रैक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी। इन हजारों वर्षों के दौरान क्या होता है कि उपमहाद्वीप के समाजों में अक्सर बदलाव आया और कई क्षेत्रों में अर्थव्यवस्थाएं समृद्धि के स्तर पर पहुंच गईं, जिसने यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों के हित को आकर्षित किया। तो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज हमारी जो प्रॉस्पेरिटी थी, जो हम प्रॉस्पेरिटी गेन कर रहे थे हमारी इकोनॉमी में, उस वजह से वो कंपनीज अट्रैक्टेड हुई। उन्हें लगा कि हमें भी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि उन्हें और प्रॉफिट, वो लोग पैसा कमा सकें। तो इसीलिए उन्होंने हमारे इंडिया जैसी कंट्री में अपनी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज ने इंटरेस्ट दिखाया था। सो गाइस, ये था आज का टॉपिक जो मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा मैं उसमें इसी चैप्टर से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज करवाऊंगी, जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम में। आई थिंक आपको ये बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है इस चैप्टर को समझने में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। ये नोट्स भी जो मैंने आपको बनाए हैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, और मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज यूज़ की ताकि आपको इंग्लिश में भी इजीली समझ में आ सके। एंड गाइस, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है देन प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। बेल आइकन पे भी आप लोग क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो आपको फ़ौरन उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आई होप आपको ये मेरा टॉपिक आज का पसंद आए। टिल देन, नेक्स्ट वीडियो तक बाय।